नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का जो विषय है वो है ज्वेलरी शॉप। आप अपनी नई ज्वेलरी शॉप या शोरूम खोलने जा रहे हैं तो वास्तु के अनुसार आपके यहाँ सेटअप कैसा होना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। मेरी हर एक वीडियो में हर व्यक्ति ईजी वे में बड़े आराम से वास्तु के सभी पॉइंट समझ सकता है। और मैं ये चाहूँगा कि आप अपना नया शोरूम बनाने जा रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुने, समझे और विचार करें। आपको लगता है कि मेरी बातें बिल्कुल सही है तो आप अपने शोरूम को वास्तु के अनुसार तैयार करेंगे तो आपका शोरूम, मेरा अपना ये मानना है कि बहुत ही बढ़िया चलेगा। आपका शोरूम चौड़ाई में ज़्यादा है या आपने मार्केट की दो दुकान लेके बीच की दीवार निकाल के एक शोरूम बना रहे हैं, तो ऐसे में आपको सबसे पहले तो क्या ध्यान रखना है, आपका बाहर का एरिया ऊंचा नीचा अप एंड डाउन टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। आपका बाहर का एरिया बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। आप अपने यहाँ फ्रंट के भाग में टाइल्स लगाते हैं या पत्थर लगाते हैं तो आपने ध्यान रखना है बाहर के हिस्से में फ्रंट के भाग में वाइट कलर की टाइल्स, वाइट कलर का पत्थर लगाएंगे तो आपके यहाँ जो कस्टमर का आगमन होगा वो हमेशा ही अच्छा होगा। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है जो आपका शटर है, शटर के ऊपर जो पेंट करना है वो वाइट कलर या सिल्वर कलर ही करना है। आप अपना फ्रंट में बोर्ड लगाते हैं, होर्डिंग लगाते हैं तो उसके अंदर जो कलर होने चाहिए, वाइट कलर, ग्रे कलर, सिल्वर कलर, कॉपर कलर, स्काई ब्लू कलर आप अपने यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो वास्तु के अनुसार अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपने अपने यहाँ पर एंट्रेंस कहाँ बनानी है। आपने अपने यहाँ पर जो एंट्रेंस बनानी है वो वेस्ट सेंटर के भाग से बनानी है। आपने अपने यहाँ पर डिस्प्ले कैसे बनानी है, आपने अपने यहाँ पर डिस्प्ले सबसे पहले तो साउथ के भाग में, साउथ वेस्ट कॉर्नर से लेके साउथ होते हुए साउथ ईस्ट तक, इस भाग में आपकी अपनी डिस्प्ले आ जाएगी। इसी में ध्यान रखना है जो डिस्प्ले साउथ के भाग में बनाएंगे उसमें नीचे के भाग में यानी फर्श से 2.5 से 3 फीट के एरिया में आपकी स्टोरेज बन जाएगी और उसके ऊपर आपकी अपनी डिस्प्ले आ जाएगी। जब आप यहाँ पर स्टोरेज बनाएं तो उसमें साउथ वेस्ट कॉर्नर से साउथ होते हुए साउथ ईस्ट कॉर्नर तक एक 4 से 6 इंच का ठोस प्लेटफॉर्म बनाना है। ऐसे ही आपने ईस्ट के भाग में साउथ ईस्ट कॉर्नर से लेके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक डिस्प्ले बनानी है। यहाँ पर आपकी अपनी डिस्प्ले आ जाएगी। ऐसे ही आपके नॉर्थ ईस्ट से लेके नॉर्थ होते हुए नॉर्थ वेस्ट तक आपकी अपनी डिस्प्ले आ जाएगी। और आप अपने फ्रंट के भाग में भी डिस्प्ले बनाना चाहें तो वो डिस्प्ले आप नॉर्थ वेस्ट से गेट तक और ऐसे ही गेट से लेके साउथ वेस्ट तक आप अपनी डिस्प्ले बना सकते हैं। इसमें ध्यान रखना है जब आप ईस्ट में और नॉर्थ के भाग में डिस्प्ले बनाएं तो उसके नीचे जो कैबिनेट बनती है वो कैबिनेट पाई वाली बनानी है, यानी उस कैबिनेट के नीचे पाई लगाने हैं और वहाँ पर ठोस प्लेटफॉर्म भी नहीं बनाना है। सिर्फ आपने जो ठोस प्लेटफॉर्म बनाना है वो साउथ वेस्ट से साउथ होते हुए साउथ ईस्ट तक आपने ठोस प्लेटफॉर्म बनाना है, बाकी किसी भी दिशा में आपने ठोस प्लेटफॉर्म नहीं बनाना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपने अपने यहाँ पर तिजोरी कहाँ लगानी है। वास्तु के अनुसार आपने सबसे पहली तो तिजोरी साउथ वेस्ट के भाग में यहाँ पर लगानी है जो कि ईस्ट की ओर ओपन होगी। दूसरी तिजोरी आपने कहाँ लगानी है, दूसरी तिजोरी आपने साउथ ईस्ट के भाग में यहाँ पर लगानी है जो कि नॉर्थ की ओर ओपन होगी। आप अपने यहाँ गोल्ड और चांदी का काम कर रहे हैं तो आपने ध्यान रखना है साउथ और ईस्ट के भाग में आपने गोल्ड का काम करना है और नॉर्थ के भाग में यानी उत्तर दिशा में आपने चांदी का काम करना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा काउंटर की सेटिंग के बारे में, आपने काउंटर कैसे बनाना है। आपने काउंटर
यू शेप में आपने अपना काउंटर बनाना है। ओनर की सिटिंग साउथ वेस्ट में होगी और स्टाफ साउथ में भी आ जाएगा, साउथ ईस्ट में भी आ जाएगा, ईस्ट में भी आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में भी आ जाएगा, ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट में आपका अपना स्टाफ आ जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कस्टमर की सीटिंग कैसे करनी है। कस्टमर की सीटिंग एक सीटिंग तो ऐसे आ जाएगी, दूसरी सीटिंग आपकी इस प्रकार से आपके कस्टमर की सीटिंग आ जाएगी। यहाँ पर आपके कस्टमर आकर बैठ जाएगा। इस प्रकार आपका अपना कस्टमर यहाँ पर आकर बैठ जाएगा। ओनर और स्टाफ के अंदर जाने का रास्ता कहाँ बनाना है? एक तो काउंटर से यहाँ से रास्ता बन जाएगा जिससे कि आपका स्टाफ और ओनर अंदर आ जाएगा, और दूसरा रास्ता आपने यहाँ से बनाना है, यहाँ से भी आपका स्टाफ और ओनर अंदर आ जाएगा। जो आपके काउंटर बनेंगे, काउंटर में नीचे के भाग में आपकी स्टोरेज हो जाएगी और ऊपर के भाग में ग्लास लग के अंदर डिस्प्ले बन जाएगी। आपने वेइंग मशीन कहाँ लगानी है? वेइंग मशीन आपने एक तो साउथ के भाग में लगानी है, दूसरी वेइंग मशीन आपने ईस्ट के भाग में लगानी है, और तीसरी वेइंग मशीन आपने नॉर्थ के भाग में लगानी है। कैश बॉक्स आपने कहाँ बनाना है? कैश बॉक्स आपने ओनर के सामने या राइट हैंड की ओर ही बनाना है। ऐसे ही एक कैश बॉक्स यानी एक गला आपने साउथ में भी बनाना है जो कि नॉर्थ की ओर ओपन होगा। आपके यहाँ क्योंकि आपका काम ज्वेलरी का है, आपके यहाँ पैसा ज़्यादा आता है। जब आपके यहाँ पैसे का पैकेज बन जाता है, रुपये का पैकेज बन जाता है, तो यहाँ से निकाल के आप वो पैसा आप साउथ की ड्रॉर में रखेंगे तो उस पैसे का इस्तेमाल हमेशा ही सही होगा। इसी के साथ आपने एक ड्रॉर और बनानी है जिसमें आपकी चेकबुक रहेंगी और बिल बुक रहेगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कलर स्कीम। आपके यहाँ ईस्ट के भाग में जितनी भी चेयर्स आएंगी वो ग्रीन कलर की होनी चाहिए, और साउथ के भाग में जितनी भी चेयर्स आएंगी वो आपकी रेड कलर की, मैरून कलर की होनी चाहिए। ऐसे ही जो नॉर्थ के भाग में स्टाफ की चेयर्स रहेंगी वो आपकी ब्लू कलर की होनी चाहिए। फर्नीचर आपका सारा का सारा क्रीम कलर, लाइट ब्राउन कलर का ही होना चाहिए। इसी के साथ जो आपके यहाँ कस्टमर आता है उसके बैठने के लिए जो सेटी बनेंगी उनका कलर क्रीम कलर या गोल्डन कलर ही होना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपके यहाँ जो सीलिंग का कलर होना चाहिए वो वाइट कलर होना चाहिए, और दीवारों का जो कलर है वो सारा कलर आपका ऑफ वाइट कलर का होना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा मंदिर के बारे में। आपने मंदिर कहाँ लगाना है? मंदिर आपने अपने यहाँ पर गेट से हटके यानी ईस्ट से साउथ ईस्ट के भाग में आपने अपना मंदिर लगाना है। इसमें आपने एक काम और करना है, जब आप मंदिर यहाँ पर बनाएंगे यानी ईस्ट सेंटर से साउथ ईस्ट की ओर मंदिर बनाएंगे तो आप सुबह से लेकर शाम तक जोत जलाएंगे, तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ कस्टमर पहले दिन से ही अच्छा होगा और आपके यहाँ हमेशा सेल भी अच्छी होगी और आपके यहाँ बरकत भी हमेशा बनी रहेगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा पीने का पानी। आपने अपने यहाँ पर पीने का पानी कहाँ रखना है? आपने अपने यहाँ पर पीने का पानी गेट से एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड में यहाँ पर आपने अपना पीने का पानी रखना है। आप अपनी नई दुकान बनाने जा रहे हैं या अपनी दुकान को रेनोवेट करने जा रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप अपने यहाँ फ्लोरिंग चेंज कर रहे हैं तो फ्लोरिंग का जो कलर है वो ऑफ वाइट होना चाहिए। और इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि आप नई फ्लोरिंग लगा रहे हैं तो जो आपके यहाँ फर्श की ढलान है वो हमेशा ही साउथ से नॉर्थ की ओर
आपने फर्श की ढलान करनी है। ऐसा करने से भी आपके यहाँ हमेशा ही बरकत बनी रहेगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेन पॉइंट, क्योंकि आपका काम ज्वेलरी का है और आपके यहाँ बगैर मिरर के काम नहीं चलता, लुकिंग ग्लास के बगैर काम नहीं चलता। लुकिंग ग्लास यानी मिरर आपने नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक और नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट तक ईस्ट की दीवार पर आपने मिरर लगाने हैं। साउथ की दीवार पर आपने साउथ ईस्ट कॉर्नर से लेकर साउथ वेस्ट कॉर्नर तक आपने कोई भी मिरर नहीं लगाना है। आपका बगैर मिरर के काम नहीं चलता। इसके लिए आपने करना क्या है, जो आपके साउथ का काउंटर है, काउंटर के ऊपर रखने वाले जो मिरर आते हैं वो आप अपने यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने शोरूम के बारे में मेरे से वास्तु सलाह लेना चाहते हैं तो निसंकोच होकर मेरे से कॉल कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मेरे चैनल पर पहली बार है या आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।